वेलकम बैक। और आज मैं दोबारा से खेलने जा रहा हूँ माइनक्राफ्ट। तो पिछली वीडियो में आप सब लोगों को याद होगा कि हमने घर में हमने कुछ करने एन्चेंटमेंट की थी, अपने रूल्स अपग्रेड किए थे, बट वो पिछली वीडियो पहले से रिकॉर्डेड थी, यानी वो वीडियो मैंने जुलाई में रिकॉर्ड की थी, क्योंकि जून में मेरा जो वो वर्ल्ड था वो पुराना वाला वर्ल्ड डिलीट हुआ था। जुलाई में मैंने सीरीज शुरू कर दी थी और अगस्त में चैनल बनाने के बाद मैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके रिकॉर्डेड डालता था, क्योंकि अगस्त से मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया था जो कि है मेरा प्यारा कासिल। और वो कासिल कोई मामूली कासिल नहीं है, वो मैं 3 महीने से लगा हूँ और आज जाके वो रेडी हुआ। आज है 1 नवंबर। बाप रे, इतना मुश्किल है ना कासिल बनाना भाई। मुझे लगा था टेक्नो का आसान होगा, पर ये बहुत मुश्किल था। मैंने टेक्नो कैसा नहीं बनाया, थोड़ा सा बड़ा बनाया है, बट हाँ। और मैंने नेदर पोर्टल भी बनाया, क्योंकि मैं नेदर में गया, क्योंकि मुझे उसके लिए उसको उनका काफ़ी ज़्यादा वर्क लगा। सो अब देखो मेरा कासिल कैसा लग रहा है, देख के ज़रूर अपना फीडबैक कमेंट में देना। और आज की वीडियो में हम क्लोन बनाएंगे कासिल का, और कासिल के सारे कमरे भी दिखाऊंगा। तो ये देखो, ये है मेरा प्यारा 1, 2 और ये तीन, ये है मेरा प्यारा कासिल। जी हाँ, यही है वो कासिल जिसे बनाने में मेरी पूरी जान चली गई। आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा, बट अंदर से अभी देखना बाकी है। तो चलो कासिल के अंदर चलते हैं और फिर मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। सो ये है मेरे कासिल का मेन एंट्रेंस, और अभी मैं फ़िलहाल को यहाँ से चलता हूँ, क्योंकि यहाँ से भी रास्ता है हमारे नेदर पोर्टल के पास वाली जगह का, यानी पास वाली जगह का कह लो। ये रहा देखो हमारा नेदर पोर्टल, ये हमारे वॉच टावर्स हैं बेसिकली। और अब मैं आप लोगों को नीचे चल के दिखाता हूँ, नीचे यानी उस तरफ कासिल के चल के, और कासिल के अंदर के कमरे दिखाता हूँ। भाई साहब कितनी मेहनत लगी है ना ये कासिल बनाने में, पूरे 3 महीने मेरी पूरी जान चली गई इस कासिल को बनाने में। सो अभी मैं इस तरफ पहुँच चुका, थोड़े दूसरे वॉच टावर के पास तक, और यहीं से कूद जाता है भाई। यहाँ से अब नीचे चल के मैं दिखाता हूँ अपना कासिल। यहाँ से राइट साइड पे लेके उसकी एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस, यानी वो जो एंट्रेंस थी ना बड़ी वाली। ये देखो मैंने यहाँ पे सोफे बनाए, और ये इस ग्लो स्टोन की बात कर रहा था, और अंदर बहुत भरपूर ग्लो स्टोन है। और मैं ये बोल रहा था कि जो कासिल की मेन एंट्रेंस है ना, जो मैंने अभी दिखाई, वो सामने उस वाले गेट से है, बट हमारे जो दरवाज़ा है वो कुछ इस जगह से है। और ये आप लोग देख सकते हैं, बड़ी मेहनत लगी है भाई इस कासिल को बनाने में ना, जो लगी है। अभी ये देखो, ये बैल है, ये सुनो। तो ये यहाँ से मैं आता हूँ अपने कासिल में, तो सबसे पहले नीचे की तरफ ये रास्ता जाता है जहाँ पे मैंने अपने ये सामान रखा हुआ है। और ये स्मोकर मुझे एक विलेज से मिला था, जिस विलेज में मैं अभी गया था, ये वाले मतलब वो जो सैंड वाला विलेज था जिससे हम मर गए थे, वापस आ गए थे, और मैंने बोला था मैं वापस जाऊँगा उसी से। और मुझे वहाँ से लूट भी मिली, जैसे कि ये डर्ट तो कासिल के क्लियर करने में लगी। ये एफिशिएंसी 4 देख रहे हो, ये पता मुझे कहाँ से मिला, ये मैं आगे चल के बताता हूँ। पहले ये बता देता हूँ मुझे वो कहाँ से मिला, लूट जो थी, लूट में मुझे क्या मिला मैं ये बता देता हूँ। अभी तो मैं ये इसके ऑप्शन दिए ना, क्योंकि मैंने नेदर पोर्टल बनाया, तो मुझे लूट में मिला यहाँ से सैडल। जी हाँ, जो कि बड़ा कीमती है हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास एक और साथ पहले से हमें मिल चुका है। और यहाँ पे बस मुझे ये मिला, बाकी तो ये मैंने बुक एन्चेंट करके बना ली थी, प्रोटेक्शन वन और शार्पनेस वगैरह, और बाकी अपनी शॉर्ट आ गई। अब जो मैं बात कर रहा था अपनी पिकैक्स की, तो वो मुझे मिली इस जगह से अच्छे। तो इस जगह भी मैं उसी से गया था, उसी से मतलब यार सर्वाइवल में ही गया था। और जाहिर सी बात है, 3 महीने बना रहा था, तो उसमें बीच में एक्सप्लोरेशन में ऐसे ही चला गया था विलेज और इधर। सो अब और दिखाता हूँ, मुझे उधर से मैंने एनविल से कैसे किया, वो भी तो सबूत देना है ना आप लोगों को। तो ये देखो, तो यही था मेरा सबूत। अब अभी का जो मेरा मिशन है वो है थ्रोन बनाना। तो थ्रोन बनाने के लिए ना सबसे पहले पहले तो आप लोगों को कासिल दिखाता हूँ। तो मेरा कासिल में सबसे पहले ये रख देता हूँ, कासिल दिखाने चलता हूँ अपना। सो ये देख लो भाई, एक बार फिर से देख लो मेरे चेस्ट, मुझे यहाँ पे खाए का चीजें मिला, ये मेरा खाने पीने का चेस्ट है। बाकी अब मैं कासिल दिखाने के लिए चलता हूँ। तो यहाँ से ये हमारे घर में कूदा पड़ भाई, हाँ कूद गया।
तो यहाँ से जैसे हम निकलते हैं तो हमको देखने को मिलती है ऊपर की तरफ जाती हुई सीढ़ियाँ। और पहले हम ऊपर नहीं जा रहे, हम जाएंगे इधर, और ये देखो ये वाला जो दरवाज़ा है ना, ये इसी वाले से कनेक्टेड है। अब जब हम इस तरफ जाते हैं तो हमें खाली जगह देखने को मिलती है। वैसे तो इस कासिल में सब कुछ अभी खाली है, कोई कमरा मैंने यूज नहीं किया। अभी मैं थ्रोन व्रोन बनाऊँगा तो उसमें जाके यूज़ पे आ जाएगा काफ़ी हद तक सामान, तो हम करेंगे। लो देखो कहाँ से गिरी, और यहाँ से मैं निकल भी नहीं सकता, मैंने ऐसा बनाया है। डॉट से चलो भाई ऊपर। हाँ तो मैं कह रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता कमरे यूज़ में लेंगे, कहीं पे स्विमिंग पूल बनाएंगे, कहीं पे ऑटोमेटिक फार्म बनाएंगे, शुगर केन AFK फार्म और फिशिंग वाले, और गोल्ड फार्म भी बनाऊंगा। वो सिर्फ मुझे पता है कैसे बनता है, मैंने देखा था एक वीडियो में। अगली जब बनाऊंगा उसकी लिंक भी दे दूंगा ओरिजिनल वाली, तो अभी तो वो मैं बाद में बनाऊंगा, जैसी ऐसी बात है। और हम मैं वो भी बनाऊंगा। अब जो इस तरफ जाता है ना, इस तरफ रास्ता, ये भी बिल्कुल उस तरह की तरह बिल्कुल ही सेम है। जैसे देख सकते हैं यहाँ से हम ऊपर चलते हैं तो हमको बिल्कुल ही कोई सेम चीज़ देखने को मिलती है। जैसे ये वहाँ पे भी सेम था, यहाँ पे भी सेम है, क्योंकि मैंने दोनों तरफ सेम बनाया है इसलिए जैसे घरों में होता है ना। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं साइड में वैसे ही खाली जगह थी। अब यहाँ से मैंने आपको ये दोनों साइड क्लियर करवा दी। अब चलते हैं हम ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये जो आप सामने देख सकते हैं वो थ्रोन की जगह थी, जहाँ पे भी हम थ्रोन बनाएंगे। अब इस तरफ आके हमारी आ जाती है लाइब्रेरी। अब मुझे पता लगा कि इसे दूर दूर रखते हैं तब वो होता है, मैंने पहले इतनी दफ़ा करीब करीब रखा था तो ये इतनी ज़्यादा अच्छी इंचांटमेंट नहीं दे रहा था। अब देखो अगर मैं अपने जूते इधर रखता हूँ तो ये थॉर्न्स 2 देता है मुझे, तो ये ऐसे ही करता है, इसका कुछ ऐसे ही चलता है। और लेक्टेन भी मुझे वहीं विलेज से ही मिला था तो मैंने यहाँ पे लाके डाल दिया। अब यहाँ से अगर मैं चलता हूँ सीधे की तरफ तो यहाँ पे मुझे सीढ़ियाँ जाती हुई मिलती हैं ऊपर। अगर हम सीढ़ियों पे चढ़ते हैं ऐसे करके, जी हाँ कुछ इसी तरह से, तो हमें देखने को मिलता है कमरा। जी हाँ मैंने इसमें फुल कमरे बनाए भाई, कुछ नहीं छोड़ूंगा। और एक ये ऐसे ऊपर की तरफ वॉच टावर का वो जो मैंने बनाया उसके लिए खाली जगह है। और यहाँ पे भी हम कुछ करेंगे, जाहिर सी बात है हर कमरे खाली तो नहीं छोड़ेंगे। बाकी यहाँ से नीचे आते हैं तो हमें उस तरफ को भी सेम चीज़ देखने को मिलती है। जैसे हम यहाँ से इस तरफ चलते हैं तो ये हमारी थ्रोन की जगह मैं बता रहा था, तो यहाँ पे बीच में हमारा थ्रोन आ जाएगा। और साइड पे हम बाद में देखेंगे हमें क्या करना, आज तो हमें खाली थ्रोन ही बना। तो अब हम यहाँ से हम चलते हैं ऊपर की तरफ। तो मैंने आपको ये वाली जगह तो वही जैसे लाइब्रेरी है वैसी वो वाला भी कमरा है सेम। और यहाँ पे एक और कमरा है, जैसे वो नीचे वाला मैंने आपको कमरा दिखाया था, यहाँ पे वो वहाँ पे था तो ये यहाँ पे है। बाकी यहाँ से अगर हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एक जगह, और ये मैंने शायद उस जगह पे नहीं दिखाया आपको। यहाँ पे हमारी एक बेलकनी टाइप की जगह जहाँ से हम नीचे की तरफ देख सकते हैं। पर अगर हम इससे थोड़ा सा नीचे जाते हैं, नीचे जाने के बाद और इस तरफ से अगर हम ऊपर जाते हैं ना तो हमें इस तरफ पीछे की तरफ ना एक कमरा देखने को मिलता है। ये वाली यहाँ से ज़्यादा अच्छा व्यू है। बाकी ये हमें कमरा देखने को मिलता है जिस कमरे से हम अगर ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे मैं कुछ बना सकता हूँ, यानी इतना AFK फिशिंग फार्म मैंने सोचा है मैं इधर ही बनाऊँगा। और यहाँ से अगर हम बाहर जाते हैं तो डायरेक्ट हम कमरे को बाहर आ जाते हैं। ये मैंने काफ़ी सोच समझ के आइडिया ले के बनाया। बाकी बड़ा डिफ़िकल्ट था ये कासिल बनाना, पर आप लोगों के लिए कुछ भी, पर यार लोग जब सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। अब देखो टेक्नो के जिसको भी देखो, जो भी मेहनत करता है ना उसे सब्सक्राइबर्स मिलता है। मैंने इतनी मेहनत की है, अब आप लोग भी यार सब्सक्राइब कर दो जाके, ताकि मैं भी, मुझे भी शौक है यार, और मेरे भी सब्सक्राइबर्स मिले हैं तभी भी लगता। तो ये तो देखो आपने मेरा पूरा कासिल देख लिया है। अब मैं नेदर की तरफ चलता हूँ और नेदर में चलता हूँ क्योंकि मुझे नेदर में काम है। अब नेदर में मुझे क्या काम है वो मैं बताता हूँ, तो ये डेटा फुल के मसला है। हाँ तो मुझे नेदर में ये काम है कि मुझे वहाँ से पॉड्स लाने हैं अपने लिए, ताकि मैं जा सकूँ। और नेदर में जाने के लिए मेरा अपना सामान रख देता हूँ क्योंकि मुझे कुछ करवाना नहीं है पहले फोन के बाद को, और मिलता हूँ डायरेक्ट नेदर में। तो नेदर में जाने से पहले ये देखो मेरी स्किन अच्छी है ना, हाँ ये उसी की है किंग की। सो अभी मैं भागते भागते नेदर में पहुँच चुका हूँ, भागते भागते मतलब नेदर पोर्टल से आके यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, थोड़ा सा दूर आ गया मैं। और ये देखो ये क्या है, बेटा तू मुझसे नहीं बच सकता, बेटे औकात में रहे, हाँ 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 मारेगा, आ मार मार। मैं लोगों को देखा इससे मर जाता है, अबे यार ये क्या चीज़ है। अभी ना मैं यहाँ से पॉइंट्स इकट्ठा करता हूँ और डायरेक्ट घर पे चलता हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पे ना घास वास तो मेरा दिमाग ख़राब कर देंगे वीडियो बनाने में, सही चिन देंगे। और बेटा तू किस बात के चौड़े दिखा रहे हैं, मर
बेटा मारूंगा तुझे भी, तू भी मार। तो अब मैं जल्दी से क्वार्ट तोड़ता हूँ और सीधा 64 के 2-3 स्टैक कलेक्ट करके घर पे मिलता हूँ। सो यहाँ पे नगर में ये भी होता है, अच्छा होता है। सो फाइनली हियर आई एम एक्सटी, हाँ घर पहुँच गया मैं। और वाह, मैंने उर्दू में भी बोला, इंग्लिश में भी। सो अभी हम नेदर के ब्लॉक्स बना लेते हैं। नेदर क्वार्ट्स क्या है, नेदर के क्वार्ट्स बोलते हैं नहीं तो शायद खाली, नेदर क्वार्ट्स तो बोलते भी नहीं। अभी फाइनली जल्दी से फाइनली मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, चलो अंदर चलते हैं ना भाई। मैं क्या कर रहा हूँ पता नहीं। यहाँ पे आ गई मेरी क्राफ्टिंग टेबल लेने। नेदर की सर्च किया भाई मैंने, नेदर सर्च नहीं किया, वो आ गया होगा। पहले ब्लॉक ऑफ क्वार्ट्स बना लेते हैं बहुत सारे, जितने बन रहे हैं अपने। ये 400 बनता है, मैं तो समझा ये भी 900 बनते होंगे यार। ये डायरेक्ट एक क्लिक में आ जाने चाहिए थे जैसे पीसी में होता है ना। अब मुझे देखना है कि बनाने चलते हैं, बल्कि बनाने से पहले मैं और सामान तो ले लूँ, मुझे और सामान भी लेना है। मुझे क्या चाहिए होगा उसके लिए, हाँ मैं काम करता हूँ। मैं सबसे पहले रेड स्टोन ले लेता हूँ, रेड स्टोन के ब्लॉक्स बना लेंगे हम। रेड स्टोन सबसे आखिरी वाले जस्ट में 3 स्टैक ले लेते हैं। रेड स्टोन की तो भाई दुकान है ना अपने पास, अपने को मसला नहीं है रेड स्टोन का। रेड स्टोन होता है वही, तकरीबन मुझे 14 ब्लॉक्स चाहिए होंगे। हाँ 14 तो लगेंगे 14 तो लगेंगे। मैं ले लेता हूँ यहाँ पे ब्लॉक्स बना लेता हूँ, बस काफ़ी है 6 और वन बना लूँ। बाद में तो वापस से कन्वर्ट तो हो ही जाता है ना ये, छोड़ो हम कहीं रिस्की लो। तो मुझे क्वार्ट्ज की स्टेयर बनानी है यहाँ पे, और मुझे क्या बनाना है, चिसल कैसे बनता है यार, चिसल कैसे बनता है। अच्छा ऐसे बनता है चिसल, मियाँ हमें पता लग गया भाई चिसल कैसे बनता है। चिसल की रेसिपी तो आ गई, अब जल्दी से यहाँ पे स्लैब्स बना लेते हैं। और ये यहाँ पे चिसल बन रहा है, जी हाँ बन रहा है। कितने चिसल चाहिए मुझे, 7 या 8 चिसल चाहिए, 6 आ गए। एक और बना लेते हैं चिसल, ये आ गया अपने पूरे हो गए। एक और टैक्सी एक्स्ट्रा बना लेते हैं। अपने स्टेयर्स तो बना ली ना मैंने, अगर हम नहीं बनाए स्टेयर्स नहीं बनाए। ब्लॉक ऑफ क्वार्ट्ज मेरे पास है, मुझे भी स्टेयर्स बनाने हैं। सबसे मेन चीज़ तो स्टेयर्स ले, ये अपनी स्टेयर्स भी रेडी हो गई। कितनी आ गई, 8 स्टेयर्स बनानी, मैंने एक्स्ट्रा ही बनानी भाई, एक आध तो एक्स्ट्रा ही होगी। और मुझे और तो कुछ नहीं चाहिए, स्लैब्स चाहिए शायद, हाँ स्लैब्स बना लेता हूँ मैं। ये आ गया मेरे सही से स्लैब्स, 6 और बनाओ। नहीं यार फिर अगर और बना लूँगा तो मेरा वो नहीं बचेगा ब्लॉक ऑफ क्वार्ट्ज, छोड़ो नहीं बनाते। अब हम सीधा वो बनाने चलते हैं, या बना लूँ क्या करते, अभी नहीं बनाते यार वरना कम पड़ जाएगा तो नेदर में से जाना पड़ेगा। अब चलते हैं अपना वो बनाने, क्या है वो अपना थ्रोन बनाने। सबसे पहले इधर रख देते हैं बाकी भी रह, बाकी नहीं मुझे यहाँ पे ब्लॉक्स भी चाहिए होंगे शायद काम आ जाए। यार एक तो भाई स्पेस फुल है तो क्या करूँ मैं, जी बताया जा रहा बार बार स्पेस फुल है। अब क्या करूँ मैं, क्या लूँ, मुझे वो चाहिए होगा, हाँ स्लैब्स चाहिए यार मुझे नॉर्मल ब्लॉक के। हाँ ये रहे, यहाँ से ये स्लैब्स ले लेता हूँ, ऊपर वाले ब्लॉक्स भी ले ही लेता हूँ एहतियातन। हो सकता है मैं यूज़ करूँ, हो सकता है मैं यूज़ ना करूँ, इसकी ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि या तो मैं रेड स्टोन यूज़ करूँगा या ये यूज़ करूँगा, कुछ एक तो यूज़ करूँगा ही करूँगा। सो अब चलते हैं जल्दी से थ्रोन बनाने के लिए। जंप जंप यार, ये जंप में मुझे तंग क्यों कर रहा है, ये पीछे से आएंगे और ये ऑटोमेटिकली जंप हो जाएगी। अब यहाँ से चलते हैं बाहर, बाहर मतलब थ्रोन के पास। थ्रोन है अपना यहाँ से ऊपर की तरफ, यहाँ से ये पहुँच गया मैं थ्रोन के पास। अब यहाँ पे थ्रोन बनाना है मुझे। थ्रोन बनाने के लिए सबसे पहले ना मैं स्लैब्स ले लेता हूँ। क्या यार क्यों पंगे ले रही है हमारा, मैं एक बारी में मर गई, मेरी लेवल भी चली गई नेदर की वजह से। 11 लेवल थी बेटा, एक्सपी फार्म भी बनाना पड़ेगा मुझे, हाँ ज़रूरी होगी आपको एक्सपी फार्म बनाना। सबसे पहले मैं स्लैब्स ले लेता हूँ, मेरे स्लैब्स तू मेरे पास है, कहाँ पे है, अच्छा इन्वेंटरी में है ना, मैं भी पूछूँ उस चीज़।
तो ये हमारा प्यारा सा थ्रोन रेडियो हो गया। उम्मीद है आप लोगों को ये थ्रोन पसंद आया होगा और आज की वीडियो पसंद आई होगी। जी हाँ, अब मैं आगे कुछ नहीं करने वाला इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ही लंबी हो गई, 16-17 मिनट की तो हो ही गई होगी। सो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना और बेल आइकन दबा देना, फ्री ऑप्शन है चैनल को सपोर्ट करने का।